सहूलियात मिलने के बावजूद भी क्या आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ियां भी इसी तरह लॉकडाउन खत्म होने तक ठहरे? इसमें अगर आपकी फैमिली में कोई परेशान है या कोई बीमार है, ऐसी सूरत में आप बाहर आ सकते हैं, ऐसी सूरत में आपको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। अगर आपके वार्ड में कई लोग भूखे सो रहे हैं जिनके घर में खाने पीने को भी नहीं है, तो आप 1077 को कॉल करें। आबिद भाई, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपको स्वागत है आपका 4TV कर्नाटक न्यूज में। मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। आपको लग रहा होगा कि आज हम किसी 4 टू व्हीलर शोरूम में आए होंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 टू व्हीलर का शोरूम होगा, लेकिन हम बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने में हैं। ये जो व्हीकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सैकड़ों की तादाद में हैं। ये रोज़ाना का मामला है। जब से लॉकडाउन हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कई बार चेतावनी दी गई थी, लाठियाँ भी बरसाई गई थी, कई ढंग से आरती भी उतार कर इन्हें समझाया गया था, फिर भी बिना कारण सड़कों पर घूमने वालों ने अपनी मर्जी से फिर भी सड़कों पर घूमना नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज इनके 2 व्हीलर्स व्हीकल्स को यहां पर पुलिस थाने में लगाया गया है। बाहर भी इसको छुड़वाने के लिए काफ़ी भीड़ है, लेकिन ये व्हीकल्स उस वक्त तक नहीं छोड़े जाएंगे। ये ज़िला इंतज़ामिया का खुला आदेश है कि लॉकडाउन खत्म होने तक ये व्हीकल्स नहीं छोड़े जाएंगे, तब तक इन्हें सीज किया गया है। SP साहब के आंकड़ों के मुताबिक 1000 से भी अधिक व्हीकल्स यहाँ पर सीज किए गए हैं। तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन जिला अधिकारी के आदेशों के, SP साहब के निर्देशों का उल्लंघन ना करें, बिना कारण सड़कों पर ना निकलें। आप कोरोना से, हम पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, ये देश कोरोना से लड़ रहा है, इसीलिए आप अपने घर में ही रहें, बिना कारण बाहर ना निकलें, ये हमारा भी निवेदन। आबिद भाई, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से 600 गाड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये एक पुलिस थाने का मामला है। अगर आप गोलघुमट पुलिस थाने जाएंगे तो वहाँ पर भी तकरीबन 300 से गाड़ियाँ हैं। आदर्श नगर में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी 200 से गाड़ियाँ हैं। यानी कि आप जिस तरह SP साहब ने आंकड़ा दिया है, 1000 गाड़ियों को अब तक सीज किया गया है, मगर शर्त यह है कि इन पर कोई दंड नहीं होगा, मगर इनकी सजा यह है कि जब तक लॉकडाउन जो 14 तारीख का जो लॉकडाउन का पीरियड है उस 21 दिन के अंदर तक इनको इनकी गाड़ियाँ इन तक नहीं पहुँचेंगे। मगर ये भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। यानी कि आपको जिन जिन लोगों की यहाँ पर गाड़ियों को सीज किया गया है उन लोगों को तो परेशानी होगी होगी। और मैं आपसे अजीजाना तौर पर यह गुजारिश करता हूँ कि इनको ऐसी क्या ज़रूरत है, जबकि सरकार ने इन्हें किराना दुकान हर मोहल्ले में, आज आप देख सकते हैं कि किराना दुकान खुले हुए हैं, किराना बाज़ार को लेने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें आराम से आपको दस्तियाब हो रहे हैं, और सरकार ने आपके घरों तक तरकारी भेज रहे हैं, फल फ्रूट पहुंच रहे हैं, और मेडिकल की व्यवस्था भी शुरू है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपका कोई घर में मरीज होता है, यानी बीमार कोई व्यक्ति होता है, तो तभी अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं है तभी आप इमरजेंसी में बाहर आ सकते हैं, ये सरकार का कहना है। उसके बावजूद भी ऐसी क्या ज़रूरत है जो आप अननेसेसरी बाहर आ रहे हैं? मुझे यहाँ पर अभी कुछ लोग मिले, सर मेरी गाड़ी भी पकड़ी गई है, आप बताइए करके मैंने उनसे पूछा कि किस लिए पकड़ा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तरकारी लेने आया था। तो मैंने उसे पूछा, क्या तरकारी का आपको पास दिया गया है, क्या आप अपने मोहल्ले में जाकर तरकारी बेच रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने नहीं, मैं मार्केट से घर के लिए तरकारी लेकर आ रहा था। तो सोचने वाली बात यह है कि जब तरकारी गाड़ियां घरों तक पहुंच रही हैं, मोहल्ले में कई जगह पर तरकारी बैठे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि अननेसेसरी आप तरकारी लेने मार्केट आ रहे हैं? बिल्कुल सही क्या? तो इस वजह से पुलिस बाकायदा जो भी काम कर रही है वो हमारे हिफाजत के लिए काम कर रही है। पुलिस का फर्ज है कि वो हमारी रक्षा करे, वो अपने तौर पर अपनी रक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम गैर ज़रूरतमंदाना तौर पर बाहर आ रहे हैं। तो इसकी वजह आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। तो मैं फिर से बीजापुर की जनता से यही कहूँगा कि अननेसेसरी अपने घरों से बाहर ना निकलिए, तब के आपके वार्डों में हर तरह की सुविधा दी गई है। मैं और एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि हर वार्डों में म्यूनसिपालिटी के जानिब से, यानी कि महानगर पालिका के जानिब से 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है,
वो व्यक्ति को आप जो भी आपके वार्ड की समस्या हो, चाहे पानी की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे दूध की हो, उन वो सभी समस्या आप अपने वार्ड के उन दो व्यक्ति जो कॉरपोरेशन के जानिब से नियुक्त किए गए हैं उन लोगों को आप बता सकते हैं। वो दो व्यक्ति अगर आपकी समस्या अगर बड़ी है तो इन पर दो तीन नूडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, चाहे वो दूध से संबंधित हो, चाहे वेजिटेरियन से संबंधित हो, चाहे फूड से संबंधित हो, यानी कि आपकी सेवा के लिए इस तरह भी वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने वार्ड में जो आपके कॉरपोरेटर हैं, जो एक्स कॉरपोरेटर हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, उनको पूछिए कि ऐसे कौन से कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं जो हर वार्ड में दिए गए हैं, आप अपनी समस्या उन्हें बताइए, वो आपकी समस्या का हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में अगर सच में अगर आपके फैमिली में कोई परेशान है या कोई बीमार है, ऐसी सूरत में आप बाहर आ सकते हैं, ऐसी सूरत में आपको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। अगर ऐसी सूरत में भी अगर कोई अधिकारी आपको रोकता है तो सरकार के द्वारा आप सीधे 100 को भी कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके पुलिस इंतजामिया को बता सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद पुलिस अधिकारी हमें रोक रहे हैं। और इसी तरह आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप 1077 ध्यान से इस नंबर को याद रखिए। ये इंतजामिया के तरफ से ये हेल्पलाइन दी गई है, आप अपनी हर तरह की समस्या इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं 1077। चाहे ये मान लीजिए कि आपके वार्ड के लोग सड़कों पर ज़्यादा भीड़ की शक्ल में वहाँ पर बैठ रहे हैं तकरीबन 30-40, जबकि इंतजामिया का कहना है कि डिस्टेंस बनाए रखे, उसके बावजूद भी वो बैठ रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि ऐसा खेलना भी गैरकानूनी है इस वक्त, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और अननेसेसरी कई घरों में ये भी सुनने आ रहा है कि वहाँ पर रमी वगैरह भी चल रहे हैं, लोग पैसे भी खेल रहे हैं। ऐसी कोई आपकी जानकारी है तो भी आप 1077 को कह सकते हैं। तो ये लोग जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके वार्ड में कई लोग भूखे सो रहे हैं, जिनके घर में खाने पीने को भी नहीं है, तो आप 1077 को कॉल करें, ये लोग कॉरपोरेशन को कॉल करेंगे और कॉरपोरेशन के जानिब से कई लोगों के घर में अब फिलहाल खाना भी पहुंच रहा है। तो मैं आपसे अजीजाना गुजारिश करूंगा, सरकार का ये फैसला है कि कोई भी भूखा ना सोए गरीब, जो लोग ज़रूरतमंद है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, मोहल्ले की जिम्मेदारी को देखते हुए आप इस नंबर का इस्तेमाल करें, 1077 पर कॉल करें और ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो हेल्पलाइन सरकार के द्वारा दी गई है वो पूरे बाकायदा ईमानदारी के साथ ये लोग हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने जो पूरी जानकारी दी। तो आपने देखा कि शकील भाई ने पूरे विस्तार से एक एक जो मुसीबतें लॉकडाउन में पेश आएंगी, जो व्यवस्था इंतज़ामिया की तरफ से की गई हैं, तो इतनी तमाम सहूलियात मिलने के बावजूद भी क्या आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ियां भी इसी तरह लॉकडाउन ख़त्म होने तक ठहरे? तो अगर ऐसा नहीं चाहते तो बराए मेहरबानी आप अपने घरों से ना निकले, इस कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला करें। इससे डर नहीं, सावधानी जरूरी है। इसी विश्वास के साथ कैमरामैन सोहेल के साथ मैं आबिद हुसैन शेख, 4 TV न्यूज़ कर्नाटका।